गुड मॉर्निंग क्लास 12th, दिस इज़ योर कंप्यूटर क्लास. क्लास इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव फिनिश्ड चैप्टर 4th एंड टूडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 5th, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आपने कंप्यूटर में इस शब्द को बहुत ज़्यादा सुना है क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ही समझता है. मतलब कि जब वो वर्क करता है तो उसके लिए एक स्पेशल लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो इस चैप्टर में हम यही देखते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअल में क्या होती है एंड कंप्यूटर कैसे सोचता है या कैसे वर्क करता है. देखते हैं हाउ कंप्यूटर थिंक्स. कंप्यूटर डोंट एक्चुअली यूज वर्ड और मीनिंग द वे ह्यूमन डू. In a state, computer are made of gazillion of tiny switches that are either on or off. When they are on, we call data 1, and when they are off, we call data 0. When you put those together, you get options. If you put lots of them together, you get lots of options. Each chunk of option can now be something meaningful. Today, now, we have a way to tell a machine to do stuff using these simple bits of informations. The trouble is it is really clunky to tell a computer to do stuff using that language binary which uses only 1 and zeros. So we layer several human-like languages on top of the binary languages to help translate machine language into human language. This gives us a more human way to tell the computer what we want it to do. But you know how people are, everybody has their own ideas of the best way. So there are tons of human-like languages to choose from. In the end, thought every language is mean for a machine ends right back at a simple first and a one and a zero, and that all the computer care about. अभी तो पहले आप ये समझिए कि what is programming language. Programming language actual में क्या होती है. जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने विचारों को दूसरों को समझाने के लिए या जो भी हमारी आइडियाज़ व्यू होते हैं वो हम ये चाहें कि दूसरे समझें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी एक लैंग्वेज का सहारा लेते हैं. बिना किसी लैंग्वेज के हम अपने विचारों को, अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़ को किसी दूसरे को नहीं समझा सकते हैं. तो इसके लिए हमें एक लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कि उसका सहारा लेना पड़ता है. ये जो लैंग्वेजेस कम्युनिकेशन का सहारा लेना पड़ता, मतलब ये जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन हेल्प करती है. वर्ल्ड में आज बहुत तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, ये आप जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन एसेट्रा, लेकिन ये सभी नेचुरल लैंग्वेजेस कहलाती हैं. हर लैंग्वेजेस के अपने रूल्स होते हैं. इस रूल्स को यूज़ करके शब्दकोश के शब्दों को एक विशेष सीक्वेंस में लगा के ही हम स्टेटमेंट बनाते हैं. मतलब यदि हमें कुछ बोलना है तो हम उसके लिए कुछ उसके रूल्स होते हैं, उसके कुछ अपने शब्द होते हैं जिनका एक सीक्वेंस हम बनाते हैं और फिर हम अपनी चीज़ों को दूसरों को बताते हैं एक स्टेटमेंट के थ्रू. इस प्रकार कंप्यूटर में भी लैंग्वेजेस होती हैं. इनका यूज़ हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं. इस प्रकार कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अपनी कुछ डिक्शनरी होती है, अपने कुछ शब्दकोश होते हैं. इनके शब्दकोश के शब्दों को एक विशेष सीक्वेंस में लगाकर कमांड का यूज़ करते हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखते समय सिंटेक्स रूल्स का यूज़ किया जाता है. अब जैसे दो कंप्यूटर डेवलपमेंट का यूज़ हुआ, मतलब जैसे जैसे कंप्यूटर डेवलप होता गया, उनका यूज़ होता गया, वैसे वैसे कंप्यूटर लैंग्वेजेस का भी डेवलपमेंट हुआ. ढेर सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस आई. अब देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का उद्देश्य क्या होता है, किन रीज़न से इनको डेवलप किया जाता है. आप जानते हो कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज मतलब कि बाइनरी डिजिट में काम करता है और इस लैंग्वेजेस में इंस्ट्रक्शन देना कॉम्प्लिकेटेड होता है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलपमेंट कंप्यूटर पे व्यक्ति आसानी से काम कर सकता है. जैसे जैसे मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट होता गया उस पर कंप्यूटर पे काम करना किसी के लिए भी बहुत ईजिली हो गया. पहले डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर होते थे और इन पर वर्क करना थोड़ा सा कठिन होता था. बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के आने के बाद इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि इन पर बहुत आसानी से कोडिंग के द्वारा हम ईजिली वर्क कर सकते हैं. यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया ये यही था वाई प्रोग्रामिंग, कि प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है.
तो ऑलरेडी हैव यूज सॉफ्टवेयर परहैप्स फॉर वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट. आप जानते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग या स्प्रेडशीट की ज़रूरत पड़ती है. परहैप्स नाउ यू आर क्यूरियस टू लर्न हाउ प्रोग्रामर लाइट सॉफ्टवेयर. अब प्रोग्रामर जो है वो सॉफ्टवेयर कैसे लिखता है. अब प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन. आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो भी प्रोग्राम्स होता है वो स्टेप बाय स्टेप एक इंस्ट्रक्शन होता है जिससे कि कंप्यूटर को जो भी टास्क दिया जाए उसे कंप्यूटर बहुत आसानी से समझ सके. देयर आर लीस्ट थ्री गुड्स रीजन फॉर लर्निंग प्रोग्रामिंग. फर्स्ट क्या है, प्रोग्रामिंग हेल्प यू अंडरस्टैंड कंप्यूटर. सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि कंप्यूटर इसकी हेल्प से चीज़ों को समझ सकता है. द कंप्यूटर इज़ ओनली अ टूल्स. आप जानते हो कंप्यूटर केवल और केवल एक टूल्स है. इफ़ यू लर्न हाउ टू राइट सिंपल प्रोग्राम, यदि हम उस पर एक सिंपल प्रोग्राम राइट करते हैं, यू विल गेन मोर नॉलेज अबाउट हाउ अ कंप्यूटर वर्क. तो कंप्यूटर वर्क करता है. एंड सेकेंड क्या है, राइटिंग अ फ्यू सिंपल प्रोग्राम्स इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल. मैनी पीपल फाइंड ग्रेट पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डैट सॉल्व अ प्रॉब्लम. जो भी चीज़ें हम इसमें प्रोग्राम में लिखते हैं उससे हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बढ़ता है, और जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में उसको प्रोग्राम सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है. ना लास्ट है और थर्ड, लर्निंग प्रोग्रामिंग लेट्स यू फाइंड आउट क्विकली वट एवर यू लाइक प्रोग्रामिंग एंड वट एवर यू हैव टू एनालिटिकल टर्न ऑफ अ माइंड प्रोग्रामर्स नीड. इवन इफ यू डिसाइड दैट प्रोग्रामिंग इज नॉट फॉर यू, अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस सर्टनली विल इंक्रीज योर एप्रिसिएशन फॉर व्हाट्स प्रोग्राम एंड अ कंप्यूटर कैन डू. जो प्रोग्राम है उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर आपका वर्क करता है. अब इसके बाद आपका आता है फील्ड ऑफ कंप्यूटर. आप जानते हैं कंप्यूटर का इस्तेमाल इस समय हर फील्ड में हो रहा है, और हर फील्ड में होने के साथ ही साथ कंप्यूटर में बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आई, जैसे पाइथन, जावा, बेसिस, सी प्लस प्लस, ये सारी लैंग्वेजेस हैं. क्योंकि ये सारी लैंग्वेजेस मशीन कोड पे डिपेंडेंट होती हैं, और चूंकि कंप्यूटर का प्रयोग हर जगह हो रहा है तो अब जैसे जैसे कंप्यूटर का क्षेत्र या उसकी फील्ड बढ़ती जा रही है तो उसी तरह उसकी लैंग्वेजेस भी बढ़ती जा रही हैं. नेक्स्ट है व्हाट प्रोग्रामर्स डू. प्रोग्रामर क्या करते हैं. आप जानते हैं कि ये कन्वर्ट प्रोग्राम सॉल्यूशन इनटू द इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर. एक प्रोग्रामर जो होता है वो एक ऐसा जॉब करता है जो कि एक ऐसी लैंग्वेज बनाता है जिससे कंप्यूटर समझ सकता है, मतलब वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए बनाई जाती हैं. सिंपली अब हम आते हैं नीचे द प्रोग्रामिंग प्रोसेस. आपको बता दें कि जो प्रोग्रामिंग प्रोसेस होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं, और इन इसमें जो फर्स्ट है वो है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, सेकेंड है प्लानिंग द सॉल्यूशन, एंड थर्ड है कोडिंग द प्रोग्राम, फोर्थ है टेस्टिंग द प्रोग्राम, एंड फिफ्थ है डॉक्यूमेंटिंग द प्रोग्राम. जिसमें फर्स्ट जो है वो है आपका डिफाइनिंग द प्रोग्राम. इसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.